गाइस, हालांकि चिराग इंडियन आइडल के इस सीजन को जीतने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, लेकिन टॉप थ्री में आना भी कोई छोटी बात नहीं होती है। इसीलिए चिराग को टॉप थ्री में आने पर कुछ महंगे तोहफे दिए गए। किसने क्या दिया, आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, आप भी चिराग को कॉन्ग्रेचुलेशन टॉप थ्री में पहुंचने पर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाँ गाइस, सबसे पहले तो सोनी टीवी ने चिराग को 5 लाख का चेक दिया। इसके बाद शो की जज नेहा कक्कड़ ने चिराग को सेकंड रनर अप बनने पर बहुत ही बधाई दी और उन्हें एक एप्पल की वॉच गिफ्ट की जिसकी कीमत 2 लाख है। इसके बाद ही शो के दूसरे जज हिमेश समय ने चिराग को बहुत बधाई दी और उन्हें एक इलेक्ट्रिक गिटार गिफ्ट की जिसकी कीमत 5 लाख है। इसके बाद गाइस, शो के होस्ट आदित्य चिराग को अपना भाई मानते थे और इसे भी उन्होंने चिराग को टॉप 3 तक पहुँचने पर बहुत बधाई दी और साथ ही में उन्होंने चिराग को आईफोन 14 प्रो मैक्स गिफ्ट किया जिसकी कीमत 2 लाख है। इसके बाद गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियाज बेस्ट डांसर के जज भी शो में मौजूद थे, तो उसी में से जज गीता माँ ने चिराग को बहुत बहुत बधाई दी और उन्हें एक सोने की चैन गिफ्ट की जिसकी कीमत 5 लाख है। इसके बाद शो के जज विशाल ददवानी ने चिराग को KTM ड्यूक 200 गिफ्ट की जिसकी कीमत 2 लाख है। तो गाइस, ये थे कुछ महंगे तोहफे जो चिराग को टॉप 3 तक पहुँचने पर दिए गए। लेकिन चिराग के लिए सबसे बड़ा तोहफा है जो उनके फैंस ने उन्हें दिया है, उन्हें इंडियन आइडल का टॉप 3 कंटेस्टेंट बनाकर। बाकी गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही आगे भी ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए इंटरटेनमेंट इज राइट। धन्यवाद।